रखी है, पता करिए कि कितना डॉक्टर यहाँ पे। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। सारे लोग बता रहे हैं कि 11 बजे आया, मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं एकदम आया हूं। घोसी से सपा सांसद राजीव राय और डॉक्टर के कल से हो रहे वायरल वीडियो के बाद से अब एक नई कहानी सामने आई है। इस बीच जहां इस वायरल वीडियो के पीछे की भी वीडियो सामने आए हैं, वहीं राजीव राय ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बदमाश डॉक्टर के पिता अपने बेटे की गलतियों की अब माफ़ी मांगते फिर रहे हैं, हालांकि वो पिता हैं और अपना धर्म निभा रहे हैं। वहीं इस वायरल वीडियो के बाद से सदर अस्पताल में जहाँ सपा सांसद बुजुर्ग और काफ़ी बीमार मरीजों के हालचाल देखते रहे, वहीं खाली पड़े डॉक्टरों के चेंबरों में भी उन्होंने हालचाल लिया। वहीं एक वीडियो ऐसा भी सामने आया जहां पर डॉक्टर से कहा कि मैं आपके काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। खुशी हुई कम से कम आप दिखे तो। कितने मरीज आए डॉक्टर साहब? सर पिछले लगभग 100 प्लस 100 150 के ऊपर डिपेंड करता है। इनिशियल लेते हैं मंडे ट्यूसडे के टाइम, इनिशियल बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसके बाद जैसे वीकेंड्स में कम होती है, 100 के आसपास होती है। अभी तो फीवर वगैरह ज़्यादा आते होंगे? हाँ सर, इस समय डेंगू के बहुत आ रहे हैं, मलेरिया के बहुत आ रहे हैं, और एलिमेंट्री सब नहीं करूँगा। हालांकि खाली पड़े चेंबरों को लेकर जहां डॉक्टरों को नसीहत दी, वहीं कई ऐसे भी डॉक्टर थे जिसको देखते हुए सांसद राजीव राय ने कहा कि सरकार को इसकी कमी पूरी करनी चाहिए, लेकिन खाली पड़े चेंबर और डॉक्टर की बदसुलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सबसे बड़ी दो तीन बातें हैं। एक तो पूरे प्रकरण में कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मेरी गलती है, क्योंकि सीबीएस मेरे साथ रहे, सारे डॉक्टरों से यहाँ तक कि जो डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं थे उनसे भी बात हुई, कहीं किसी से कुछ नहीं हुआ। जो मीडिया में अंश दिखाया जा रहा है, एक हिस्से से शुरू किया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि उसने बोला कि बाहर से जानकारी पूरी जानकारी लेकर आई है, मुझे गुस्सा आ गया। सच्चाई ये है कि अगर आप पूरे क्लिप को देखेंगे, और आपके साथी थे, मैं तो उस संवाद में ही नहीं था, मैं तो मरीजों की संख्या के बारे में देख रहा था और सुझाव दे रहा था कि अगर जितने मरीज देखे हैं उतने ट्रिक लगा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि जितने रेस्टोरेंट कितने देखे हैं और अभी कितने बाकी हैं। पीछे से किसी नए मरीज ने शिकायत किया कि पैसा लेकर ये देखते हैं, घर पे बुला के देखते हैं। बाहर किसी महिला ने कहा कि हम लोग सुबह से बैठे हैं, अभी आए। फिर कोई पत्रकार साथी जिसको कभी मारे होंगे, उसने बोला कि चूँकि मैं सांसद हूँ, देख कर लोग बोलने लगे। बिल्कुल अपनी हाँ बताइए, एक दो मरीज बोल रहे हैं, एक पत्रकार बोल रहा है, मैं तो कहीं हूँ नहीं। वो आदमी मेरे से बोलने लगा कि आप जानकारी लेकर आइए, आप ये करिए, मैं बात कर रहा हूँ मरीजों की संख्या का, वो बाहर से बात करने लगा। तो जो भी हुआ, डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, डॉक्टर अगर स्वयं इस तरह का व्यवहार करने लगेगा तो गुस्सा आएगा, तो मरीज को भी मार देगा। इसीलिए मैं बार बार मैं उससे पूछ रहा हूँ, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, मैं तो कहीं हुई नहीं पिक्चर में। अब मुझे पता चला, मैं तो कल से पहले नहीं जानता था कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है, पहले भी पुलिस केस है। मैं व्यक्तिगत जिंदगी में किसी को नहीं जाना चाहता, लेकिन जो लोग बताते हैं वो सब हैं। मुझे एक बड़े नेता से बदतमीजी किए थे, भाजपा के एक बड़े नेता से बदतमीजी किए थे, ऐसा नहीं है कि किसी एक हमसे है, और मेरे से कोई और डॉक्टर का हुआ होता, जो सारे डॉक्टर हैं अस्पताल के, मैं सबको सुझाव ही देकर आया, क्योंकि मैं स्वयं प्रोफेशनल आदमी हूँ, सुझाव ही देकर आया कि किस तरह इम्प्रूव किया। जहाँ मरीज नाराज़ थे और जो जेन्युइन प्रॉब्लम था, जैसे कि मान लीजिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो मैंने उन लोगों को बताया कि भाई सीएमएस क्या कर सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट जब आएगा तो देखेंगे, हम भी प्रयास करेंगे। आज से रेडियोलॉजिस्ट आ भी गया, एक्सरे मशीन ख़राब थी तो उसको ठीक कराने के लिए बोला, अस्पताल में कोई चीज़ ज़रूरत हो तो मैं सांसद दीदी से देने के लिए तैयार था। वो आखिरी डॉक्टर थे जिनके पास मैं गया, और उस आदमी ने ना मेरे से संवाद है, अगर आप लोगों के पास पूरा है तो मैं, आप देखिए मेरे, मैं आई एम नो वेयर इन द पिक्चर। अगर मरीज कोई वहाँ पाले से है और वो शिकायत करके पैसा लेकर देखता है, कोई शिकायत करके सुबह से बैठे हैं 11 बजे आया है, आपने वो भी देखा होगा जब मैं पूछ रहा हूँ कि आपके कितने बजे, आपकी जब शिकायत हुई कि 11 बजे आते हैं, तो मैंने पूछा आपकी ड्यूटी कितने बजे है, तो बोला 8 ड्यूटी तो 8 बजे से हैं, आते हैं 10:30 बजे से। अब इतनी मतलब इसको क्या कहेंगे आप, सीएमएस के सामने लगातार सीएमएस उसको मना कर रहे हैं, लगातार सीएमएस, वो भी तो डॉक्टर है ना, उनसे सीनियर डॉक्टर है ना, उस अस्पताल में और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं ना, जाकर किसी डॉक्टर से पूछिए, यहाँ आईएमए के लोग हों,
चाहे अन्य डॉक्टर हो, चाहे उसी अस्पताल के डॉक्टर हो, सब ने मुझसे कहा कि आपकी कोई गलती नहीं थी। मेरा बस ये मानना है कि अगर बार 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 अगर एक डॉक्टर इस तरह करने लगे और समझने लगे कि इस तरह कर देने से एक वर्ग का वो हो जाएगा, तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। डॉक्टर देखिए, अस्पताल, कोर्ट और पुलिस स्टेशन, तीन जगह दुखी लोग जाते हैं, सुखी सुखी खुशी खुशी कोई नहीं जाता है। वहाँ उसको सहनशील होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ मैं कहीं पिक्चर में नहीं हूँ, मैं मरीजों की संख्या के बारे में बता रहा हूँ, मैं उनको सुझाव दे रहा हूँ कि यहाँ कॉलम लिखा है कि सारे रोगों का लक्षण अगर लिखने लगेंगे तो फिर वो मरीज नहीं देख पाएंगे। एक काम करिए, आप ट्रिक कर दीजिए कि कितने मरीज देखें तो कितने बाकी, यही बात थी ना आखिर, लास्ट लाइन यही था। फिर अगर कोई पीछे से बोलने लगा तो मैं उसको भी सुना, उसको भी सुना, मैं कुछ बोलूँ उसके पहले वो मरीज हमसे बोलने लगेगा आप जानकारी लेकर आइए। मैं तो ये भी नहीं कहा कि तुम पैसे लेकर देख रहे हो, मैं ये भी नहीं जानता था कि इसको मारा है उसने। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास बहुत सारे राष्ट्रीय प्रदेश के विषय हैं। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि मैं उनके पास रोते हुए जाऊँ। ये जरूर है कि जिले के सारे अधिकारी संज्ञान भी हैं, नोटिस भी इशू हुआ है, माननीय मंत्री जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले भी इसने शिकायत मारा था एक पत्रकार को, तो मैंने फ़ोन वापस कराया, माननीय मंत्री जी ने भी कहा। तो एक राजीव राय गलत होता है, बाकी सारे डॉक्टर, सारे IMA, सारे अधिकारी तो नहीं गलत हो सकते। जनता सरकार का एक निर्देश है, प्रदेश सरकार का निर्देश है कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ सब व्यवहार करना चाहिए, क्या लगता है कि आपने देख लिया ना? मैं आप ये बताइए, जो लोग सोशल मीडिया पर PRP बढ़ा रहे हैं, चाहे मीडिया का जो वर्ग काट के दिखा रहा है, आप भी मीडिया से हो, आप लोग, आप में से एक दो साथी वहाँ, एक तो ये थे भी वहाँ, उनके पूरे वीडियो देखिए, ये व्यवहार है। सांसद सुझाव दे रहा है कि मरीजों की संख्या को किस तरह मेंटेन किया जाए, समय पर रहा जाए, और मरीज अगर शिकायत करें तो सांसद के ऊपर भड़क जा रहा है, जैसे सांसद ही मरीजों को लेकर आए। मरीज पहले से वहाँ थे ना, मरीज ना मेरे रिश्तेदार है, ना मरीजों को मैं जानता हूँ, ना मरीजों को उससे पहले कभी देखा हूँ। जिले की जनता है, जिले की जनता है, मरीज फिर अस्पताल में दुखी लोग जाते हैं, और सच्चाई से हम लोग बोले सरकारी अस्पताल में वही जाता है जो कहीं और इलाज कराने में सक्षम नहीं रहता है। सच्चाई तो ये भी है पालो कि हम कई वार्ड में गए, आप लोग सारे थे, कुछ लोगों ने नोट भी किया, डॉक्टर नहीं है, बाहरी आदमी कोई बैठा हुआ उसमें, कई चैम्बर में गए हमने, उस वहाँ भी मैं मीडिया में तमाशा बनाने वाले लोगों में से नहीं हूँ, मैं बैठ कर अधिकारियों से बात करता, नोटिंग करा रहा था, लिखता, और आते आते इस आदमी ने इस तरह बत्ती, अच्छा ठीक है राजीव राय, इससे पहले भी राय जितने सारे लोगों के साथ तुमने बदतमीजी की सब गलत थे, किसी और उस अस्पताल से किसी और डॉक्टर का ऐसा क्यों नहीं आता है व्यवहार बार बार, या अन्य जो डॉक्टर हैं मंदबुद्धि के हैं, मेरे को लगता है कि उनसे सब वरिष्ठ, जिनसे तो मैं बिला सब वरिष्ठ ही डॉक्टर थे। इस मुद्दे को लोकसभा में उठाने के बाद देखिए, फिर मैं कहूँगा कि मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, सद्बुद्धि दे, उनके पिताजी आए थे मेरे पास, मैंने उनसे भी बताया, बहुत ही सभ्य आदमी।